हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मैं एक बेहतरीन रेसिपी के साथ आई हूँ। ये ओडिशा का बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसे हर शादी में बनाया जाता है, इसे बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं। इस रेसिपी का नाम है टमाटर का खट्टा। चलिए मैं आप लोग को इसे बनाकर दिखाती हूँ। ये रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैं ली हूँ ये काजू, थोड़े किशमिश, करी लीव्स, पचफूटन, सूखी मिर्च, अदरक, ग्रीन चिली कटी हुई, और गुड़ ली हूँ थोड़ा, और धनिया की पत्ती, और खजूर। और ये है, इसे मैं भूनकर बाद में कुटूंगी। ये है थोड़ा जीरा, मेथी का दाना है, एक मिर्च है, और कुछ सौंफ है। टमाटर ली हूँ आधा किलो, बड़े साइज के टमाटर, इसे मैं ऐसे कट कर ली हूँ, बड़े बड़े कट कर ली हूँ। और थोड़ा सॉल्ट ली हूँ, हल्दी मिर्च ली हूँ, कस्तूरी मेथी ली हूँ, और ऑयल। बस इन्हीं चीज़ों से ये बनेंगे। अब मैं पैन गरम कर रही हूँ गैस ऑन करके, फिर इसमें मैं ऑयल थोड़ा डालूँगी, 2 टीस्पून ऐसे ऑयल डालेंगे। इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये खट्टा बहुत ही बेहतरीन होते हैं और आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप लोग मेरे साथ बने रहिए ताकि आप लोग ये खट्टा बनाना सीख पाएंगे। तेल गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा काजू को ये कर लेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे। अब किशमिश को भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सूखी मिर्च, एक पचफूटन डालेंगे, 1 टीस्पून डाल देंगे। ये जब थोड़ा हो जाएंगे तब हम इसमें ग्रीन चिली और अदरक डालेंगे। इसे थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे। फिर हम करी लीव्स डालेंगे, अदरक को आप कूट कर भी डाल सकते हैं, मैंने छोटे छोटे काट लिया है। अब मैं इसमें टमाटर को ऐड करूंगी। फिर मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। आपके अंदाज से आप डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़े हल्दी, 1/2 टीस्पून, थोड़े रेड चिली, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े से, और कश्मीरी थोड़े लाल मिर्च। इसे थोड़े देर तक ऐसे चलाते रहेंगे। पके हुए लाल लाल टमाटर लेंगे आप, इसे थोड़ा थोड़ा चलाते हुए हम इसमें खजूर को भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम कवर करके पकाएंगे। चलिए देखते हैं बना कि नहीं। हाँ, आप थोड़ा होने लगा है, इसे मिक्स कर दें।
फिर हम इसमें काजू डालेंगे, फिर किशमिश डाल के इसे भी थोड़ा मिक्स कर लें। फिर इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे, फिर थोड़े पानी डालेंगे, इसे भी मिक्स करके फिर हम इसे कवर करके पकाएंगे। 2-3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे कवर करके। अब देखते हैं कितना बना है। ये अब हाफ बॉईल हो चुके हैं देखिए, और थोड़ा ये गलेंगे। इसी बीच हम इसे ये गुड़ को डाल देंगे। आप लोग शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ में ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। फिर मैं चेक करूँगी मीठा ठीक हुआ कि नहीं, अभी तो मैं इतना ही डाली हूँ। अब इसे 3-4 मिनट के लिए हमें और थोड़ा कुक करना है। अब ये बन चुका है, लेकिन मैं इसमें और एक मसाला डालूंगी, उसके बाद ये पूरी तरह कंप्लीट होंगे। और आप लोग को मैं एक बात बताती हूँ, ये खट्टा बनाने के वक्त आप खजूर और गुड़ को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि उसी में ही इसका स्वाद आता है। अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ, अब डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते। अब मैं इसे अलग साइड कर दे रही हूँ और एक पैन चढ़ाकर एक सूखी मिर्च लेंगे, सौंफ, जीरा, मेथी के दाने, इसे थोड़ा अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर मैं इसे इस हिमदस्ता में कूटूंगी। ये अब भुना गया है, हम इसे अब निकाल लेंगे। मैं गैस ऑफ कर दी हूँ, ये अब मैं निकाल ले रही हूँ। इसे मैं अलग रख दे रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं इसमें कूट लूँगी। अब हम इसमें इस मसाला को डालेंगे, थोड़ा दरदरा सा कूटेंगे आप, ज़्यादा चिकना नहीं करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं 2 मिनट के लिए इसे कुक करूंगी, इसके बाद मैं सर्व करूंगी। अब ये पूरी तरह से बन चुके हैं, मैं इसे अब सर्व करूंगी। गैस ऑफ करती हूँ, देखिए इसके कलर कितने अच्छे आए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसे रोटी, पराठा, जीरा राइस के साथ आप ले सकते हैं। टमाटर सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अब ये पूरी तरह से तैयार है। मेरी ये ओडिशा की टमाटर की खट्टे की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मेरे तरफ से मैं रिक्वेस्ट करके आपको बोलती हूँ, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, आने वाला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।